ना सरकार सुन रही है, ना स्टेट की लोग सुन रहे हैं। कहाँ से मैं पैसा लाऊंगा, कहाँ से मैं खाऊंगा? और मैं गुजारिश करता हूँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, किस तरह मैं एडजस्ट करूँ, किस तरह कैसे मैं पैसा का एडजस्ट करूँ, कहाँ से खाऊँ? मैं गरीब का बच्चा हूँ ना, भूखे मरना पड़ रहा है, खिचड़ी बना के खाता हूँ, लेकिन कोई गवर्नमेंट यहाँ की सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ की भाषा की प्रॉब्लम है। मैं आपसे अपील करता हूँ, मैं ताजपुर का हूँ साइन भाई, मैं आपसे खास कर कर रिक्वेस्ट और अपील करता हूँ कि हम लोग की मजबूरी को समझिए और हमारे लिए कुछ ऐसा गांव जाने का इंतज़ाम या फिर खाने का इंतज़ाम कीजिए। बहुत मजबूरी का हाल में मैं आज मजबूरी में वीडियो बनाया हूँ, बहुत मैं मजबूरी में वीडियो बनाया हूँ, दिल से कह रहा हूँ, रो रहा हूँ, कहाँ से मैं एडजस्ट करूँ खाने का पैसा, कहाँ से करूँ मैं? देखिए हमारे साथी 6 हैं, सबका हाल देख लीजिए हाल सबका। हमारे चाचा हैं, देख लीजिए इनका हाल, इनके फैमिली है, बच्चा है, 500 रुपया कमाते हैं तो एडजस्ट करते हैं, कहाँ से लाएंगे वो पैसा, कहाँ से खाएंगे? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारी मदद कीजिए, शुक्रिया। हेलो दोस्त, मैं हूँ आपका दोस्त शाह सफीक, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि पिछले 2 दिन पहले पौंडीचेरी में, तमिलनाडु के पौंडीचेरी में, एक सिराज नाम का लड़का जो कि वहाँ पे खाने को तरस रहे थे, और वो मुझे डायरेक्ट वीडियो बना के भेजे अपने फेसबुक के माध्यम से। तो हमने अपने इलाके में, क्योंकि वो हमारे इलाका से था, तो हमने ये कोशिश किया कि इसको वायरल किया जाए, तो हमने सारे ग्रुप में भेजा। और बिल्कुल हमारे जो एरिया में जो कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जो उनके गांव से बिलोंग करते हैं और हमारे एरिया से बिलोंग करते हैं, अगर ऐसे पॉलिटिकल लोग अगर हर जगह हो जाएं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों कहीं पर भी, और हमारे कुछ समाज के भी जो लोग हैं जो उनकी मदद किए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ऐसे लोग अगर हर जगह हो जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि अपने हिंदुस्तान में कोई भी गरीब भूखा न मरेगा। देखिए वो भाई ने शुक्रिया अदा करने के तौर पे वो वीडियो बना के फिर से भेजा। ये देखिए, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम। मैं 2 दिन पहले एक वीडियो में बनाया था जो फेसबुक के माध्यम से कोरोना के लेके कुछ परेशानी हालत था हमारे और हमारे साथी लोग का, इसलिए मैं एक वीडियो बनाए थे, जिसके कारण वो वीडियो हमारा शफीक जनता की आवाज़ ताजपुर के हैं, वो उनके पास गया और वहीं से वो वीडियो वायरल हुआ। वो मदरसा इस्लामिया शाहपुर बघौनी में हमारे पिंटू भाई हैं, जहांगीर भाई, नाज भाई, जुगनू मुखिया जी के सहायता से और उन लोग के हेल्प के मदद से आज इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा हेल्प हो रहा है उन लोग से, इसलिए मैं एक वीडियो बनाया उन लोग के लिए, शुक्रिया के लिए और थैंक यू के लिए, क्योंकि उन लोग ने जो एक दिन में मदद हमारे की है ना, वो कोई नहीं कर सकता है जितना उन लोग ने हमारे लिए रात दिन कर दिए हैं। बघौनी के हम बघौनी के साथी से और बघौनी के जो हमारे सहयोगी हैं उनसे मैं अपील करता हूँ कि उन लोग ने वो एक रात में हम लोग के लिए इतना सहयोगी किए हैं, इतना सहयोग किए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह खाने से लेके पीने का, राशन का, हर एक चीज़ का इंतजाम एक रात में उन लोग कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को, और हम लोग जितने भी साथी हैं बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें हमारे जोहर अली भाई हैं जो सोए हुए हैं, ये देख सकते हैं हमारे जोहर अली भाई हैं, ये भी बघौनी के हैं, ये मुजफ्फरपुर का लड़का है। और ये हमारे संदीप भाई हैं जिनका नाम है संदीप कुमार, हमारे साथ हमारे भाई हैं ये, और ये मुजफ्फरपुर जिला के, इनका चेहरा देख सकते हैं थोड़ा सा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों भाई हैं, कोई थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है, कोई कोरोना नहीं। लेकिन हम वीडियो बनाए एक दो वीडियो जिसमें काफ़ी लोग हमें बीजेपी शायद जो भी हो नेता किसी हमको फ़ोन आया था, उन लोग बोल रहे हैं कि घर जाके क्या करोगे, घर जाओगे तो तुम्हारे मम्मी पापा मर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारा उन लोग ने हमें मतलब अजब अजब सा बात फ़ोन करके बोला कि जो कर रहे हैं वो ठीक हो रहा है, बंदी में ठीक है, क्या सहायता करते हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, ये नहीं, बहुत सारा ऐसा बात बोला। उसको मैं गौरवानंदाज मतलब नहीं किया, चलो जाने दो, लेकिन मैं अपने बघौनी के तमाम भाई से अपील करता हूँ, उनको बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारी
इतना सहयोगी किए हैं और हम लोग बहुत खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, देख लीजिए खाने पीने राशन का सारा इंतजाम कर लिए हम लोग। राशन पानी का सारा इंतजाम हो गया है और जितनी भी लोग हमारे फैमिली हो या जिनके भी माँ बाप देख रहे हैं, उन लोगों को टेंशन लेने की अब जरूरत नहीं है। फेसबुक के माध्यम से हम एक वीडियो बनाए थे कल, जो हमारा वीडियो बनने के बाद यहाँ से ताजपुर मोहम्मद शफीक जनता न्यूज़ चैनल के पास गया था डायरेक्ट। वो वीडियो हमारा वहाँ से वायरल हुआ। वायरल होने के बाद हमारे पास काफ़ी मोहताजी था, खाने पे पीने पे हर एक चीज़ पे मोहताजी था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मोहताजी था, बहुत दिक्कत था। लेकिन जब हमारे गांव में वो पिंटू भाई हैं, जहीर भाई हैं और बगौनी के बहुत सारे सहयोगी हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं, हमारे मुखिया जी हैं और भी ताजपुर के बहुत सारे लोग हैं, इन लोग के मदद से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रात भर में खाने का पीने का हर एक चीज़ का इंतजाम लोग किए हैं। और मदरसा इस्लामिया शाहपुर भवानी के आसपास के लोग जो हमारा सहयोगी इतना किए हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और हमारे खास करके हमारे भाई जो शफीक जनता की आवाज़ ताजपुर में है, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे न्यूज़ वाले को रहना भी चाहिए, हमें उनसे और उनके वीडियो वायरल होने की वजह से जो हमारा वीडियो उन्होंने वायरल किया है, हमें इतना फ़ायदा हुआ है कि हम क्या बताएं, जिससे हमारे सारे साथी अल्हम्दुलिल्लाह सबको खाना वाना भी पहुंच गया है। इसलिए मदरसा इस्लामिया शाहपुर बगौनी और ताजपुर के सहयोगी सारे लोग से मेरा शुक्रिया है, इसलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। उन लोग को बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोग बहुत अच्छे हैं और हेल्प मिलना स्टार्ट हो गया है। चलिए सब लोग को शुक्रिया और थैंक यू, हम लोग बहुत अच्छे हैं। और मेरे शफीक भाई न्यूज जनता चैनल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आभारी, जो कल तक मरने के हाल पे थे अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैंने एक वीडियो ये बनाया है। और आपकी वजह से आज छः साथी हम लोग बहुत ही अच्छे से काट रहे हैं वक्त। चलिए ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।